So, hello friends, I am back as promised with a very interesting episode of my travel diaries Gilgit Baltistan first trip. आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बहुत ही पुराने फोर्ट में जो कि 17th सेंचुरी में बना था और यहाँ आप जब पहुँचते हैं ये इतनी हाइट पे कि यहाँ से आपको पूरा स्कर्दू नज़र आता है। तो अभी हम जा रहे हैं खरपोचो फोर्ट की तरफ। खरपोचो फोर्ट किंग ऑफ फोर्ट्स, तो ये काफ़ी पुराना है और यहाँ जब आप जाते हैं बिकॉज ये बहुत हाइट पे है तो आपको नीचे पूरा स्कर्दू दिखता है, पूरी उसकी पानी और आबादी सब कुछ नज़र आता है। हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे थे तो इतनी क्लियर नहीं थी इर्द गिर्द की आबोहवा एटमॉस्फेयर, तो आपको व्यू इतना क्लियर नहीं शायद नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये शायद आपको ज़रूर दिख रहा होगा कि रास्ता कितना मुश्किल है। और रास्ता है ही नहीं तकरीबन, कहीं कहीं तो ट्रैक है जिस पे आप चल के जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे आपने पत्थरों पे पाँव संभाल संभाल के रखना है बिकॉज़ अगर आप थोड़ा सा भी स्लिप हुए तो फिर बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फ्रेंड्स, हकीकत तो ये थी कि रास्ता इतना मुश्किल था और इतनी एफर्ट लग रही थी कि मैं तो रास्ते में कई दफ़ा हिम्मत हार बैठी और मैंने कहा भाई बाकी सारे जाएं, मैं तो नहीं जाने वाली। तो सबसे पहले जो है वो ऊपर पहुंचा मेरा भाई और अभी मैं दिखाती हूँ। जब वो ऊपर पहुंचा तो गेट तो बंद था लेकिन छोटी सी खिड़की थी जिसमें से उसने झांक के देखा कि अभी फोर्ट जा सकते हैं, हम देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत मुश्किल से ऊपर पहुँचे थे और ये था अंदर का मंज़र जो उसको नज़र आ रहा था। बुशरा ख्याल से एक बार आगे आओ ना। अब तो खैर उसने वहाँ से चेक किया और फिर उसने हमें कहा कि जल्दी से ऊपर आ जाओ बिकॉज अंधेरा होने वाला है और हम अपनी पूरी कोशिश करते हुए ऊपर पहुँच रहे हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ट्रैक इतना ही मुश्किल था, लेकिन थोड़ी बहुत एफर्ट करके रोते पिटते जैसे भी हम लोग फाइनली जो है वो फोर्ट तक पहुँच ही गए थे। और मैं भी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में कि किस तरह का ऊपर फोर्ट है आपको और वहाँ पे देखने के लिए क्या चीज़ें हैं। और ये देखें ऊपर की हाइट से कहाँ से हम चलना शुरू हुए थे, वो नीचे दरख्तों के पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है ये देखें, और यहाँ से हमने पैदल चलना स्टार्ट किया था और इतने मुश्किल ट्रैक में हम होते 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 इस हाइट पे पहुँचे थे। तो ये हम आ ही गए फाइनली फोर्ट के अंदर और फोर्ट में अभी क्या बचा है, ये है वो सारी इमारत बिल्डिंग जो कि अभी बच चुकी है और ये इसका टॉप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है और ये हम लोग बड़ी मुश्किलों से बहुत थक गए थे बिकॉज जब आप हाइट पे जाते हैं तो सांस का भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये हम फाइनली यहाँ आ ही गए। जो नीचे से नजर आ रही थी जगह उमर गिरो चलो। चूँकि शाम का टाइम हो गया था हमें काफ़ी टाइम भी लग गया था यहाँ पे ऊपर आते आते और हमें अब ये टेंशन थी कि रास्ता बहुत ख़तरनाक है, अगर अंधेरा हो गया तो हम कैसे उतरेंगे। जो फोर्ट है उसकी हालत आप देख सकते हैं कि इसके छत में सुराख हो चुका है जो कि बड़ा ही ख़तरनाक है और ये वो रास्ता है जहाँ से हम किले के अंदर गए थे, यानी वो छोटी सी खिड़की इन्होंने खोल के दी थी और यहाँ से ही हम एंटर और एग्ज़िट किए थे। जो ये फोर्ट है, अगर मैं ये कहूँ कि ये किला जो है वो सर कर लिया हम लोगों ने तो ये बिल्कुल सही है बिकॉज इतना मुश्किल रास्ता है, इतना आसान नहीं था और उतरना भी बहुत ही मुश्किल था बिकॉज स्लिप होते हैं आप, ये पत्थर आपके पाँव के नीचे से स्लिप होते हैं, तो बड़ा ही जो है एडवेंचरस हमारा ये ट्रिप था। और फोर्ट की भी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी हालत ख़राब है। एनीवे हम लोगों ने ये फोर्ट वगैरह देखा, अपनी पिक्चर्स क्लिक की और हम जल्दी जल्दी नीचे की तरफ रवाना हो गए बिकॉज काफ़ी लंबा रास्ता था और अंधेरे में यहाँ से उतरना बहुत ही
डेंजरस हो सकता था। सुबह किस टाइम खुलता है क्या सर ये रेस्टोरेंट वगैरह? हम जब वापस जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी, और हमने सोचा कि क्यों ना जाके शिंग्रीला को रात में देखा जाए कि वो कैसा दिखता है। जो रेस्टोरेंट था वो भी इनका खुला हुआ था, तो हमने सोचा कि एक वैसे विज़िट करते हैं, बिकॉज हमने जाना था कहीं और। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हम कहाँ गए और हमने किस तरह का ज़बरदस्त किस्म का स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का ट्रेडिशनल जो खाना है वो ट्रेडिशनल वे में खाया। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि रात के टाइम शंग्रीला लाइट्स में कैसा लगता है। ये जो रास्ता है यहाँ पे आपको अंधेरा दिख रहा होगा, यानी कि आपकी अपनी गाड़ी की लाइट से ही आप चल सकते हैं, लेकिन वो दूर आपको रेस्टोरेंट जो है वो बहुत रोशन और लाइटों वाला दिख रहा होगा। तो जिस तरह हमें ऑपोजिट जगह से दिखता है रेस्टोरेंट, उसी तरह आपको इसके अंदर भी जाएँ तो यही लाइट्स यही रोशनियाँ नज़र आती हैं। तो आएँ आपको दिखाती हूँ कि रोशनियों में रात को शंग्रीला करीब से कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रात को शंग्रीला कितना पुरेसरार लगता है। दिन को भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही खूबसूरत है शंग्रीला, और दिन में आपको इसकी एक एक चीज़ आपको डिटेल में रोशनी में नज़र आएगी। अभी हम लोग जा रहे हैं जो हमने आपसे कहा था कि हम खाएंगे ट्रेडिशनल फूड ट्रेडिशनल वे में। तो आप देखते रहिएगा कि किस तरह से ये लोग बनाते हैं खाना और क्या क्या होता है उसमें, और किस तरह से पेश करते हैं अपने मेहमानों को बहुत ही मुनफरद तरीके से, और बहुत ही जो है वो मेहमानदारी से ये लोग हर चीज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं रात को अंधेरे में हम लोग जा रहे थे, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या खाया और किस तरीके से खाया। तो अभी देखें खाना लगाने से पहले ये आपके हाथ इस तरीके से धुलवाते हैं, इसके प्रॉपर इनके पास जो हैं वो चीज़ें हैं वो आएंगी की तरफ, और एक एक के हाथ ये इस तरह से धुलवा के और फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो खाना पीना और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देते हैं। तो ये बहुत ही मुनफरद तरीका, और देखें खुद जाके जो मेज़बान है वो ये सारा काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। शतूत का जैम है। अच्छा शतूत के जैम है, ये खुद बनाते हैं जी जी। इसका टेस्ट कोई इसमें चीनी नहीं डालते हैं, ये इसमें डालते हैं फिर इसके साथ इसको बैठ के खाते हैं, बस इसको और इसको मिला के खाएंगे। ये तो सीढ़ियों से गिरे थे, मैं स्नो तुम पहले खुद खाओ ना। ये क्या डाल रहे हैं? ये बीच में शहतूत का इन्होंने जैम बनाया होता है, ये जो है ना इसका नाम है जान और ये मार जान मार। इसकी वीडियो बना रहा है, किसी वीडियो बनाई थी इसकी, ये तो गुड़ का जो तुम बनाती हो ना हलवा सा, ये आप ये सब ये शहद है, शहद यहां का लोकल शहद, आप मुझे काट के दे दें इसमें टच कर लो, ये खाएंगे तो भाई आपको घर का खाना भूल जाएगा। ये बिल्कुल बस सिर्फ खाली खाएं, ओहो वो मजा आएगा आपको। मुझे तो पैनकेक पैनकेक आपको खाना बेटा, ये पैनकेक्स पैनकेक फिर थोड़ा सा उसमें जान होती है। हाँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट और अखरोट की चटनी के साथ यार वो लाओ ना इधर थोड़ा सा अपना इधर ले आओ, मेरी जैम आंटी की तरफ कर दो ताकि आंटी उसको ना बेटा अब ये काम तो करने पड़ेंगे ना पुत्र, इसीलिए ये प्रपोज है जी, अखरोट की चटनी इसमें मिक्स है इसको अम्मी रेसिपी बताना शुरू कर, मैं कहता हूँ अम्मी मैंने बनाना नहीं है, अम्मी के लिए बनाना पड़े तो बना ले अम्मी। अच्छा तो ना बना, गंदा ही बना, प्याज काटने से और उसमें कितना घी डालना है उससे। प्रपू ये प्रपू ये किसर और ये खंदा ये मार जान डाल रहे हैं।
पश्तो है ना वो मारजान है या खंदा है? ये खंदा है। पश्तो आती है आपको? ये जो हमने गड़बड़ कर दी है कैसे पश्तो? ये जो नहीं करिए खंदा, खंदा हंसी को कहते हैं ना मेरे पश्तो में। ये अखरोट की चटनी है वो इधर देना। चटनी इतनी ज्यादा बना दी कल, कल मैंने सिर्फ चटनी खाई थी, रोटी और चटनी। सारा वो दिखा रहे हैं ये आप दाल खा ले भाजी, ये चटनी डाले तो बच्चे आपकी अम्मी नहीं आएंगी उसे भाजी लो फरसाना लो। ये क्या ये घर का मोटा रोटी है, इसको चूरा बनाते हैं फिर सूप में इसको डुबाते हैं, डुबो के फिर इसको चम्मच से मेहनत से ये सूप में इसको डुबो जैसे ही रोते दो खाने बेक कर ले रोना पर। हाँ एक एक बनाया पूरे दिन में, पूरा किचन गंदा कर दिया। बेटा मुझे तो डालियो नीचे नहीं हो देख बनाने देसी भाई ने बनाया जी 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 कौन से भाई ने बनाया? ये आपके वो डब्बे वाला नहीं है ये बाल बाल के बनाया। हाँ पानी के अंदर डाल दीजिए प्रॉपर पुडिंग जो बनती है। मैं ज्यादा मीठा नहीं लेता, थोड़ा सा बनाया है। एक चम्मच बस डाल देख लो, इनकी प्रेजेंटेशन कितनी प्यारी है, छोटी चम्मच। ये किससे सीखा आपने? शौक है भाई, बड़ा मस्त है भाई, मुझे बहुत मीठा पसंद है। डब्बे वाली है जल्दी, तो डब्बे वाली मां पहुंच देंगे इनसे से जेरी डब्बे वाली है। जब हम अपना बनाएंगे ना वहां आ जाना, क्योंकि मैं अपने सोच रहा हूं। आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी बहुत प्यारी है ना, ऑर्डर बनाएंगे, प्रेजेंटेशन भी बहुत प्यारी है, उसको पेश भी बड़ा प्यारा किया और वो जो एमएससी की है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन से। अब मैं तुम्हारे घर आके इधर रहूंगी, मैं बहन की बस ठीक है, अपने बेटे को भी लिखा बहुत दिन के साथ रहना मतलब उसको मैंने कहा एक ऑप्शन दिया उसको, कराची में मेरा डिफेंस में कमर्शियल प्लॉट है, फेज 1 में इतने पैसे के खाते मिलेंगे तो मैं और क्यों 7-8 करोड़ कीमत है। तो मैंने कहा तुम और खाना ख़त्म होने के बाद इन्होंने हमें इस तरह से अपने गार्डन में ग्रीन टी पिलाई, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारे तरीके से, और साथ में हमें ड्राई फ्रूट से गिफ्ट्स भी दिए। वेरी नाइस पीपल, गॉड ब्लेस देम। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा जल्दी मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।